नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आपको चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना है व्हाट्सएप के थ्रू। तो सबसे पहले आपको उत्तराखंड टूरिज्म का व्हाट्सएप नंबर सेव कर लेना है। आपको मैसेज करना है यहाँ पे यात्रा यात्रा। जैसे ही आप मैसेज करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप वहाँ से एक मैसेज आएगा, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो हम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। फिर से आपको दोबारा कंफर्मेशन देना है येस या नो। कितने लोग आप जा रहे हैं वो यहाँ पे डालना है। हम सिंगल ही जा रहे हैं तो सिंगल हमने यहाँ पे डाल लिया है। उसके बाद अपना बाय रोड से आप जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से या चल के आप जा रहे हैं। हम बाय रोड जाएंगे तो बाय रोड हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यमुनोत्री आप कितने तारीख को जाएंगे वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। बाय चांस आप यमुनोत्री नहीं जाना चाहते हैं तो आपको NA यहाँ पे टाइप करना है। अगर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डेट अपनी डाल सकते हैं। हम नहीं जाना चाहते हैं, हमने NA यहाँ पे टाइप कर लिया है। उसके बाद ये हमको गंगोत्री का पूछेगा, गंगोत्री भी हम यहाँ पे नहीं जाना चाहते हैं तो हमने NA टाइप कर लिया। अभी केदारनाथ का पूछेगा, केदारनाथ आप जाना चाहते हैं तो किस डेट को आप जाना चाहते हैं वो डेट और मंथ आपको डालना है। जैसे हम यहाँ पे जी 12 मई हम यहाँ पे डालते हैं, 12 मई की हमने डेट डाली। अगर आप 12 मई को जाना चाहते हैं तो उस दिन दर्शन का स्लॉट खाली है या नहीं है वो आपको यहाँ पे ये बता देगा। अगर उस दिन दर्शन आप नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे ये आपको बता देगा कि आप दूसरी डेट सेलेक्ट करो। तो आप यहाँ पे 12 तारीख को स्लॉट खाली है दर्शन के लिए तो आप कर सकते हैं। उसके बाद बद्रीनाथ आप कितनी डेट को जाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। बद्रीनाथ हम 15 तारीख को जाना चाहते हैं, 15 हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। नहीं जाना चाहते हैं तो आप NA कर सकते हैं। अभी यहाँ पे होमकुंड साहिब का पूछ रहा है, हम यहाँ पे नहीं जाना चाहते हैं, हमने NA सेलेक्ट कर लिया है। तो दो जगह हम जा रहे हैं, केदारनाथ और बद्रीनाथ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नेम डालना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम। नेम डालने के बाद आपको अपनी एज डाल लेनी है। उसके बाद अपना जेंडर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी स्टेट से आप जा रहे हैं सबकी कोड यहाँ पर दिए हुए हैं, जो भी स्टेट के आप हैं। हम उत्तराखंड के ही हैं, हमको यहाँ पे अपना कोड डाल लेना है। तो यहाँ पे आपके कोड्स दिए हुए हैं जिस भी स्टेट के आप हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिटी का नेम और अपना पूरा पता आपको यहाँ पे डालना। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम डालना है, नेम ऑफ सिंबल सिंगल इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन, जिसको हम कॉन्टैक्ट कर सकें, और उस व्यक्ति का नाम आपको इसमें डालना है जो आपके साथ ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई भी आपके दोस्त, आपके घर वाले, कोई भी हो सकते हैं, उनका नेम आपको यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद उनका कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, जिनका आपने नेम डाला है उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप डालेंगे। उनके साथ क्या रिलेशन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फादर फादर मदर ब्रदर सिस्टर अंकल आंटी फ्रेंड, कोई भी हो, स्पाउस या कोई अदर रिलेशन हो वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आप कोई हृदय रोगी तो नहीं है। अगर नहीं है, अगर हैं तो यस, वरना नहीं तो नो में आप सेलेक्ट करें। या आप अस्थमा के मरीज़ तो नहीं है, वो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। कोई डायबिटीज़ पेशेंट, अगर आपको कोई मेडिकल सीरियस कंडीशन है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नहीं है तो आपको NA यहाँ पे टाइप कर लेना है। अगर है तो वो आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपनी डालनी है। अपना अपना सेलेक्ट कर लेना है। आप मिनी बस, प्राइवेट कार, टैक्सी, टू व्हीलर, हेलीकॉप्टर या चल के आएंगे, जिससे भी आप आएंगे यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी गाड़ी का नंबर डाल लेना है, जिस भी गाड़ी से आप आ रहे हैं। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे NA भी डाल सकते हैं, अगर पता है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको कंफर्मेशन सेलेक्ट करने के लिए आपको येस में क्लिक करना है कंफर्मेशन के लिए। और आप यहाँ पे देख रहे हैं आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया है। आपको रजिस्ट्रेशन की PDF भी आ चुकी है। तो इतनी ही आसानी से आप व्हाट्सएप से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं चार धाम यात्रा के लिए। यह आपकी PDF आपके सामने है, तो ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।